अभी हाल ही में आजमगढ़ जिले के जियनपुर क्षेत्र में एक 6 वर्षीय मासूम से दानिश नामक युवक ने हैवानियत किया था। बच्ची को आनन फानन में सदर महिला अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया था। उसके बाद हालत गंभीर होने के बाद उसे BHU में रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं पीड़िता के घर तमाम लोगों का आना जाना लगा है। हाल ही में सगड़ी विधायक वंदना सिंह पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की थी और हर संभव मदद का उन्होंने भरोसा दिया था। तो वहीं कल पीड़िता के घर राज्य बाल संरक्षण आयोग के सदस्य डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी भी पहुंची थी। वहां उन्होंने पीड़िता के परिजनों को आश्वासन दिया कि इंसाफ जरूर होगा। साथ ही उन्होंने पीड़िता का हालचाल जानने के लिए वाराणसी के BHU जाने की बात कही थी। अपने वादे के मुताबिक राज्य बाल संरक्षण आयोग के सदस्य डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी आज BHU पहुंची और उन्होंने पीड़िता से और उसकी माँ से मुलाकात करके मीडिया से बातचीत किया है। आइए सीधा आपको डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर चलते हैं और देखते हैं कि वो क्या कह रही हैं और पीड़िता का क्या हाल है। किया गया उद्देश्य क्या? कल मेरा आजमगढ़ आना हुआ था। आजमगढ़ में एक बच्ची थी, उसके साथ रेप की घटना हुई। वो मुस्लिम बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ और उसके पड़ोसी ने, दानिश लड़का था, उसने रेप किया और वो बच्ची, उसकी स्थिति ठीक नहीं थी तो उस बच्ची को रेफर किया गया BHU में। तो इसी नाते आज BHU में उस बच्ची की स्थिति देखने के लिए कि उसका इलाज ठीक चल रहा है, उसको किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है और वो लड़की कब घर जाएगी, इसी विषय में पूरी जानकारी लेने के लिए आज यहाँ आना हुआ। तो बच्ची से मिलना हुआ? हाँ, मिलना हुआ। किस तरह का इलाज चल रहा है? बच्ची का ऑपरेशन हुआ, बच्ची का 1 तारीख को बच्ची यहाँ BHU में आई और उसके बाद दूसरे दिन ही उसका ऑपरेशन किया गया और बच्ची की स्थिति अब पहले से काफ़ी ठीक है। पहले उसके कुछ दर्द था लेकिन 2-3 दिन से उसके दर्द की स्थिति भी नॉर्मल है और बच्ची, जैसे डॉक्टर से बात हुई कि बच्ची को 3-4 दिन और यहाँ रखा जाएगा, उसके बाद घर रेफर कर दिया जाएगा। इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही मैडम, प्रदेश में क्या लगता है कि वो कैसा हो रहा है, इसका दोषी कौन है, किसको मानती है? मैं तो कहूँगी कि परिवार, खास करके ये जो घटना है आजमगढ़ की, ये उस परिवार के बगल का परिवार है, पड़ोसी है। एक बच्चा, एक 21 साल का लड़का एक 9 साल की बेटी को नहलाने के लिए ले जाता है, कहता है कि मैं इसको नहलाने के लिए ले जा रहा हूँ, इसके कपड़े दे दो। इसके लिए दोषी सरकार नहीं है, इसके लिए दोषी वो परिवार है कि उनको अपनी बच्ची के प्रोटेक्शन के लिए, अपनी बच्ची की केयर के लिए कोई ध्यान ही नहीं है कि उनको कैसे क्या करना है। तो इसके लिए हर छीकरा सरकार पर फोड़ना ठीक नहीं है। हम जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार हैं और वो समाज जिम्मेदार है जो अपने बच्चों की परवरिश में कहीं ना कहीं कुताही कर रहा है। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।